लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विसन फैमिली के उस एल्डर के अटैक के सामने अब तेंग भी आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अटैक तेंग के सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखकर खुद तेंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एल्डर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो अपने हिसाब से उस अटैक को कंट्रोल कर रहे थे, और अब ये एल्डर उस अटैक को सीधे लू और सेंग के ऊपर कर देते हैं, जिसे देखकर लुओ भी तुरंत अपने रॉयल वेपन से एक अटैक करती है। लेकिन चूंकि लुओ का अटैक इस एल्डर के अटैक से बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए ये अटैक लुओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अब सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सेंग तुरंत ही लुओ के हाथ से उस वेपन को छुड़ा देता है और बहुत ही जल्दबाजी में लुओ को लेकर उस जगह से हट जाता है। लेकिन अभी भी ये अटैक सेंग और लुओ का पीछा नहीं छोड़ता है और दोबारा बहुत ही तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सेंग लुओ को अपने हाथों से कवर कर लेता है। लेकिन तभी उस अटैक के सामने लुओ के हेड गार्ड आ जाते हैं और फिर वो भी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट कर देते हैं, जिसे देखकर अब इस क्विसन फैमिली के एल्डर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस अटैक ने तुरंत ही उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया। और इसके अलावा अब ये अटैक क्विसन फैमिली के इस एल्डर के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए अब इस एल्डर को भी अपना जोर लगाना पड़ता है। और अब क्विसन फैमिली का ये एल्डर उस अटैक को रोकने के बाद इस हेड गार्ड से कहता है कि क्या तुम वही हो, जिस पर अब इधर लुओ भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मिस्टर जिन, आपने मुझे फिर से बचा लिया। और अब क्विसन फैमिली के ये एल्डर कहते हैं कि जिन यू लू, क्या ये तुम हो? तब मिस्टर जिन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस पर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अब ये एल्डर मिस्टर जिन को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि हमने तो सिर्फ जनरल जिन का नाम सुना था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमने आपको अपनी आंखों से देख भी लिया। और फिर ये एल्डर मिस्टर जिन को अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, जिस पर मिस्टर जिन इस एल्डर को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आपने मुझे सम्मान दिया, यही मेरे लिए काफी है और इसीलिए अब मुझे किसी ऊंचे पद की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अब इधर सेंग लुओ से पूछता है कि अगर इस एल्डर का नाम जिन यू लू है, तो इसका मतलब ये है कि ये डीमन रिलम के उन्हीं चार लेजेंडरी जनरलों में से एक है, जिस पर लुओ भी यस मास्टर कहती है। तब तेंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, और अगर ये बात सच है तो फिर इतना पावरफुल पर्सन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, जिस पर लुओ बताती है कि मिस्टर जिन हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं और एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और अब ये सुनकर तेंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और भला इतना पावरफुल पर्सन तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करेगा। तब लुओ सेंग से कहती है कि मास्टर, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद आप मुझे अपना डिसाइपल नहीं मानेंगे, इसीलिए अपने बारे में मैंने आपको सारी बातें नहीं बताई। जिस पर सेंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तुम सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हो, जिस पर लुओ भी यस मास्टर कहती है। और अब लुओ सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा लास्ट नेम बाय है और मेरी माँ वेस्ट की एम्प्रेस है। और फिर लुओ सेंग को ग्रेट करते हुए कहती है कि मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की स्टूडेंट हूँ और मेरे मास्टर का नाम चेंग सेंग है। और अब इंट्रोडक्शन देने के बाद लुओ क्विसन फैमिली के एल्डर से पूछती है कि ओल्ड मैन, अब आपका क्या ख्याल है, कि आप अभी भी मुझे और मेरे मास्टर को पनिश नहीं करना चाहेंगे? जिस पर पहले तो ये एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जाने दो, मैं छोटी बच्चियों की मुंह नहीं लगता। और अब लुओ पूछती है कि क्या यहाँ पे मौजूद किसी को भी मेरे मास्टर और यंग लेडी जू यू रोंग की मेरी से कोई प्रॉब्लम है? अब हम देखते हैं कि क्विसन फैमिली का एक लड़का ड्रिंक करता है और फिर ये लड़का सेंग के सामने आते हुए कहता है कि मेरा नाम गुहान सी है, जिस पर सेंग भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम चेंग सेंग है। तब ये लड़का सेंग से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास मैरिज डॉक्यूमेंट्स क्यों ना हो, लेकिन पूरे सिटी को पता है कि लड़की के माँ बाप केवल क्विसन फैमिली के रिश्ते से ही एग्री करते हैं, इसीलिए अब हम लोग भी शादी से पीछे नहीं हट सकते। जिस पर सेंग कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब गुओ कहता है कि चूंकि मिस जू यू रोंग अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मौजूद किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिरकार मिस जू यू रोंग किससे शादी करना चाहती है, तो इसीलिए हम लोग भी शादी से ऐसे ही पीछे नहीं हट सकते। और अब गुओ की बात सुन के वहाँ पर मौजूद कुछ लोग भी कहने लगते हैं कि ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, वो सेंग के पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हुआ, हमारी यंग लेडी की भी अपनी चॉइस हो सकती है और क्या पता वो क्विसन जून से ही शादी करना चाहती हो। और अब सेंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करता हूँ, तो अब क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि जिससे ये डिसाइड हो कि आखिर कौन मिस जू यू रोंग के लायक है? जिस पर गुओ कहता है कि बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है, चूंकि हम इतनी दूर से आए हैं और किस्मत से आज क्विंग तेंग यान का आखिरी दिन भी है, तो इसी मौके को ध्यान में रखते हुए मैं क्विसन फैमिली की ओर से ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को चैलेंज करता हूँ। जिसे सुनते ही तेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम चैलेंज के बहाने सेंग को मारना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता चल गया होगा कि सेंग फाइट नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये मत भूलो कि उसका दोस्त तेंग 36 अभी यहीं पे खड़ा है। और अब ये सुनकर गुओ के दोनों भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो लोग आगे कुछ कर पाते,
हेवनली एकेडमी के वाइस डीन तेंग को डांटते हुए कहते हैं कि आखिर तुम क्यों इन झमेलों में पढ़ रहे हो, तुम हेवनली एकेडमी के डिसाइपल हो और इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ। जिस पर तेंग कहता है कि भाड़ में गया ये हेवनली एकेडमी, मैं ऐसे एकेडमी का डिसाइपल बन के नहीं रह सकता जो कभी किसी बड़े जनरल या फिर किसी एम्प्रेस की बातों पे चलता हो। तब ये वाइस डीन कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हेवनली एकेडमी में एक सक्सेसफुल पर्सन बनाऊंगा। जिस पर तेंग भी बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि तब तो मेरे पिता को ही लाके आपको हेवनली एकेडमी में बिठाना चाहिए, क्योंकि आज से और अभी से मैं हेवनली एकेडमी का डिसाइपल नहीं रहा। और अब तेंग की बातों को सुन के वाइस डीन का तो पूरा चेहरा ही उतर जाता है। और अब सेंग कहता है कि अगर तुमने हेवनली एकेडमी को छोड़ दिया तो फिर तुम ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आ सकते हो, जिस पर तेंग भी ओके कहता है। और अब ये सुनकर लुओ कहती है कि अब ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में 4 मेंबर हो गए हैं, जिस पर गो न्यू डिसाइपल के लिए सेंग को कांग्रेचुलेशन कहता है। और फिर ये आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फाइट नहीं कर सकते, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे अलावा ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के 2 डिसाइपल मौजूद हैं, तो अब तुम्हारी तरफ से क्यों ना ये दोनों फाइट करें और क्यूसन फैमिली की ओर से मेरे दोनों भाई, और हम दोनों बस अपने अपने मेंबर को गाइड करेंगे और इसके बाद जो टीम हारेगा वो हमेशा के लिए शादी को छोड़ के यहाँ से चला जाएगा। जिस पर सेंग कहता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन हम ये फाइट यहाँ पर नहीं बल्कि बाहर में करेंगे। तब गो भी ओके कहता है और अब सारे एल्डर भी इस मैच के लिए एग्री कर देते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये लोग आमने सामने खड़े होते हैं। और अब तेंग सेंग से कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो लोग भी क्यूसन फैमिली के टॉप जीनियस ही हैं। जिस पर सेंग कहता है कि हार या जीत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना और पीसफुल माइंड से बस अपना बेस्ट देने का ट्राई करना। जिस पर तेंग भी ओके कहते हुए आगे आ जाता है और फिर वो उन तीनों से कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी की तरफ से पहला फाइट मैं करूंगा। जिस पर उनकी तरफ से भी सियोर कहते हुए एक लड़का आ जाता है और फिर ये लड़का तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर तेंग भी कहता है कि ठीक है चलो आ जाओ। और अब ये सुनते ही ये लड़का तुरंत तेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर तेंग भी आइकॉनिक स्टाइल से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सीधे उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और एक बहुत ही जोरदार अटैक उस लड़के के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर हेवनली एकेडमी के डिसाइपल कहते हैं कि ये तो विन सुई का थर्ड फॉर्म है। और अब हम देखते हैं कि तेंग और इस लड़के का अटैक आपस में टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। और अब तेंग इस लड़के से पूछता है कि आखिरकार कितने साल के हो तुम, जिस पर ये लड़का कहता है कि 2 महीने के बाद 14 साल का हो जाऊंगा। तब तेंग हंसते हुए कहता है कि अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो, जिस पर ये लड़का कहता है कि फाइट में एज मैटर नहीं करता और हाँ तुम इस बात का शुक्र मनाओ कि यहाँ पर मेरे बड़े भाई क्यूसन जून मौजूद नहीं है, वरना उनके एक ही वार से अभी तक तो तुम हार चुके होते। जिस पर तेंग फिर से इस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अले ले ले देखो बच्चे को गुस्सा आ गया। और अब ये सुनते ही ये लड़का अपनी पावर्स को जनरेट करने लगता है और अपने स्वॉर्ड के पावर्स को भी एक्टिव करने लगता है, जिसे देखकर लुओ पूछती है कि आखिरकार उसके पास वो कौन सी तलवार है। तब सेंग बताता है कि वो दी आयरन रूल का ली सन स्कैरेट स्वॉर्ड है और मुझे यकीन है कि तेंग इसे संभाल लेगा। और अब ये लड़का एक बार फिर से अपनी पूरी पावर के साथ तेंग के ऊपर अटैक करता है, जिस पर तेंग भी स्माइल करते हुए सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड की एक आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें तेंग ही भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।